કેમ છો? બધા મજામાં? હું ઉષા પટેલ, આપકી ગાર્ડનિંગ દોસ્ત. તો દોસ્તો, આજ મેં એડેનિયમ મેં ગ્રાફ્ટિંગ કરને જા રહી હું. તો એડેનિયમ મેં ગ્રાફ્ટિંગ કેસે કરે વો મેં આજ આપકો દિખાતી હું. ક્યા હૈ વો ભી મેં આપકો સમજાતી હું કે દેખો, મેરે પાસ એડેનિયમ કા તીન પૌધા હૈ. ઇસમે એક જો હૈ વો ડબલ પેટલ કા હૈ, ઓર એ દોનો પ્લાન્ટ મેરે સિંગલ પેટલ કે હૈ. ઇસકે ઉપર એસે ફૂલ આતે હૈ. તો મેં ક્યા કરૂંગી, ઉસકી ડાલી લેકે યહાં દોનો પ્લાન્ટ મેં બિઠા દૂંગી. તો ઇસકો બોલતે હૈ ગ્રાફ્ટિંગ. તો આજ મેં ગ્રાફ્ટિંગ કરતી હું. ગ્રાફ્ટિંગ કરને સે પહેલે હમ લેંગે જો ભી એક સાફ સુથરા સાધન લેગે. રૂ કોટન લે થે, કોટન નહીં હૈ તો મેં એ લે લિયા હૈ, ઓર સેનિટાઇઝ ઇતના તો હમે ચાહીએ હી. તો પહેલે મેં અપને પ્લાન્ટ કો સેનિટાઇઝ કર દૂંગી. ઓ સોરી, પ્લાન્ટ ક્યાં? મેરે ચાકુ કો, એ તો જરૂરી હૈ. ફિર મેં ઉસકે ઉપર ગ્રાફ્ટિંગ કરને જા રહી હું. તો મેં ઉસકો ઇતના કાટ લૂંગી. ઓર યહાં જો ભી નિકલેગે હમ ઇસકો પોંછ દેંગે. યહાં હમે ફંગીસાઇડ પાઉડર કા ઉપયોગ નહીં કરના હૈ, ક્યોંકિ ઇસકે ઉપર હમે દૂસરી ડાલી કો બિઠાના હૈ. ઇસલિયે હમ યહાં ફંગીસાઇડ પાઉડર નહીં યુઝ કરેંગે. ખાલી હમે જો પાણી નિકલેગા ઉસકો પોંછ દેના હૈ. ઓર અબ મેં કરૂંગી ક્યા, એક ડાલી કો ઓર કાટ લૂંગી. મેં ઇસ ડાલી કો કાટતી હું. મેરી इसमें बीच में बहुत पानी निकला है, इसको भी मैं पोंछ लेती हूँ. यहाँ से ऊपर से एक डाली कट कर ली है मैंने. सभी जो फ्लावर लगे थे मेरे वो मैंने निकाल दिए. अब और मैंने ऐसे दो तीन इतने सारे नोड एरिया वाले मैंने लिया है. यहाँ मैं वी ग्राफ्टिंग करूँगी. अभी ये थोड़ा हमें इसको बीच में बिठाना है, तो मैं बीच में वाला भाग हिस्सा काट लूँगी. देखो मैंने बीच में ऐसा बना दिया. अब मैं इसको दोनों ओर से मैं छील लिया है देखो, और इसको बीच में मैं उसको बिठा दूंगी. अभी भी मुझे थोड़ा छीलना पड़ेगा. आज मैं आपको दो तरफ से ग्राफ्टिंग करते हैं. मैं दोनों तरफ से दिखा बताऊंगी. देखते हैं कितने पास होते हैं, फेल होते हैं तो आगे की बात है. और इसके लिए मैंने एक ऐसी पट्टी थी, वो सब्जी लेने जाते हैं वो वाली, वो मैंने थैली को काट ली है. अच्छे से मैं इसको बंद कर दूंगी. कोई ऐसा है तो नहीं इसमें कोई कला, पर देखते हैं अब हम कैसे पास होते हैं. मेहनत तो की है. मैं ऊपर एक और लगा दूंगी, इसको हिलाना नहीं है हमें. और ग्राफ्टिंग के बाद हम उसको धूप में नहीं रखना है. जब तक उसकी ग्रोथ शुरू ना हो जाए अच्छी, तब तक मैं उसको सेमी शेड में रखूंगी. चलिए एक गांठ लगा देती हूँ. ग्राफ्टिंग करना तो एकदम इजी है, लेकिन उसमें
पास होना एक अच्छी बात है कि हमें सफलता कितनी मिलती है। ऊपर से अच्छी सी ग्रोथ हो जाए तभी मैं उसको निकालूंगी, तब तक मैं उसको हटाऊंगी नहीं। और मैं उसके ऊपर भी एक, फिर मैं उसको ऐसे किसी से पैक कर दूंगी, ऐसे बस। और फिर मैं उसके छांव में रख देती हूँ। बस और कुछ नहीं करना है। तो देखो इसके ऊपर मैंने वहाँ वी शेप किया है, इसके ऊपर मैं उसको सीधा ही बिठा देती हूँ। और कुछ करना नहीं है इसके लिए। मैंने एक थैली ले ली है, उसको भी मैं सैनिटाइज कर दूंगी अच्छे से। और फिर मैं उसको इसके ऊपर बिठा देती हूँ। टैप यही कोठरी की सहायता से मैं उसको टैप कर दूंगी। दोनों ही ग्राफ्टिंग वैसे तो इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। दोनों को अब मैं छांव में रख दूंगी, इसके ऊपर भी मैं इसको ऐसे कवर कर दूंगी और दोनों को मैं छांव में रख देती हूँ। तो देखो मैंने दोनों में क्राफ्टिंग कर दी है, इसमें मैंने वी शेप में की है और इसमें मैंने डायरेक्ट ऐसे टुंडू पे टुंडू लगा के बिठा दिया है। तो दोनों में मेरे 8 मिनट लगे ग्राफ्टिंग करने में और ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। चलो फ्रेंड फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।